दोस्तों, कुंड न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। दिनांक 5 जनवरी 2024 को थाना मोदी नगर के बिसोखर गांव में एक 34 वर्षीय युवक की हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। मृतक का नाम पवन सनव धर्म सिंह है। दोपहर करीब 3 बजे के आसपास सूचना प्राप्त होते ही तत्काल मोदी नगर पुलिस तथा सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मृतक के पिता से तहरीर प्राप्त करके तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज 6 जनवरी 2024 को घटना का सफल अनावरण करते हुए दोनों अभियुक्तों को थाना मोदी नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में ये प्रकाश में आया है कि ये दोनों अभियुक्त, जिनका नाम क्रमशः दीपा तथा फैजान है, जिसमें से दीपा इस मृतक की भाभी है और फैजान इसके ही पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति है, इनके द्वारा मिलकर के इस युवक की हत्या कारित की गई थी। पूछताछ में ये प्रकाश में आया है कि दीपा, जिसका पति करीब 1.5 माह से बेंगलोर में नौकरी कर रहा है, उसके संबंध पड़ोस में रहने वाले फैजान, जो कि एक मेडिकल स्टोर संचालक है, इसके साथ इसके संबंध थे। इसकी जानकारी करीब 7 से 8 दिन पूर्व इस मृतक, जो कि दीपा का देवर है, इसको हो गई थी। इस जानकारी के पश्चात पवन ने फैजान से कुछ पैसों की डिमांड करने लगा तथा उसे पैसा ना देने पर उसे तथा उसकी भाभी दीपा के जो संबंध हैं उसको सभी के सामने उजागर करने की धमकी भी दी उसने। इसके पश्चात दीपा तथा फैजान ने मिल करके पवन की हत्या की योजना बनाई और 4 जनवरी 2024 की देर रात्रि में करीब 2 बजे के आसपास इन्होंने ये घटना कारित करी, जिसमें दीपा ने पवन को इनके छत के ऊपर बने एक छोटे से कमरे में सबसे पहले उसे जाने के लिए बोला और उसके पश्चात एक सर्जिकल ब्लेड से दीपा ने सबसे पहले उसके ऊपर प्रहार किया उसके गले पर तथा इसके बाद फैजान ने भी उसके गले पर सर्जिकल ब्लेड से प्रहार किया, जिससे कि इस युवक की मृत्यु हो गई। घटना का सफल अनावरण करते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है तथा घटना में प्रयुक्त आला कत्ल को बरामद कर लिया गया है। अन्य सभी साक्ष्यों की गहनता से जानकारी करके उनको एकत्र किया जा रहा है तथा जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो की जा रही है।